हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई बी टॉकिंग अबाउट अरूपा अधिरूपा सोलो शो बाय बबीता पात्रा एट कन्वेंशन फॉर इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। दिस इज द स्पेस ऑफ द एग्जीबिशन और ये जो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट डे दैट इज द ओपनिंग डे गैदरिंग। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे। नाउ यू कैन सी द गैदरिंग। असित पटनायक जी थे यहाँ पे, रूपक गोस्वामी, ज्योत्तम, मेनी अदर आर्टिस्ट वर देयर एंड दिस इज द वर्क ऑफ बबीता पात्रा। आई कॉल बबीता पात्रो। बबीता पात्रो जी आर्टिस्ट हैं, पहले फैकल्टी थे स्कूल में, एकेडमिक करियर में थे। शी डिड हर बीएफए फॉर्म उत्कल यूनिवर्सिटी एंड एमएफए फॉर्म खैरागर। हर वर्क्स शो वुमेन पावर। आदिशक्ति इज द प्योर इटर्नल कॉन्शियसनेस, द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एज प्रकृति। हेंस आदिशक्ति इज परम प्रकृति। शी इज द रीजन फॉर एवरी क्रिएशन। आदिशक्ति इज द अवेकनिंग, इट इज एनलाइटमेंट। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति एंड ज्ञान शक्ति आर ए पार्ट ऑफ आदिशक्ति। वुमन हरसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ शक्ति। शी इज द क्रिएटर एंड शी इज द नर्चरर। आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम हर कैटलॉग। यू कैन सी द वर्क्स एंड द कलर्स, स्पेशली द कलर्स, द ब्राइट, द सूदिंग। She is a background from Odisha. She is basically from Odisha. So her color palette shows her, you know, her roots. इसे बहुत सारा impact है, बहुत सारा प्रभाव है उनके उड़ीसा के, जिस तरह से वो brought up हुए थे, उस तरह के environment, जिस तरह के चीज़ों को उन्होंने देखा है। शौजल पात्रा हैं उनके husband. इज अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट। उनका सपोर्ट रहा है उनको हमेशा और इनका इंटरव्यू भी आप सुन पाएंगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो। सो स्टे विद दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट आर्ट कीपर। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, विथ स्टूडेंट्स। प्लीज सपोर्ट आर्ट कीपर एंड एंजॉय दिस जर्नी।
I'll be talking to the artist Babita Patro, standing right now at India Habitat Center. There's a convention fire, and Arupa Adirupa. This is the title of the exhibition. So let's talk to the artist and know about her journey and the exhibition. Please, ma'am. मैं बबीता पात्रो, मैं दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ और दिल्ली में सिंस 17-18 ईयर्स से मैं हूँ और इसी लाइन में जुड़ी हुई हूँ. और मैं एज एन आर्ट टीचर मैं काम फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन टीचिंग मैम आप कितने सालों तक 18 ईयर्स से काम. So now you're concentrating mainly on painting. You're totally into painting right now. I left my job last to last year. Only one year. मैंने छोड़ा अपना job क्योंकि मैं काम करती थी, but जितना मैं time देना चाहती थी उतना मैं नहीं दे पा रही थी. Right. That's why I left my job. तो अब मैं पूरा अपना सारा टाइम अपने आर्ट को दे पा रही हूँ. उसमें मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है और मैं इसीलिए मैं अपना जॉब भी छोड़ी थी. तो ये जो मेरा सारा पेंटिंग आप देख रहे हैं ये मेरे जॉब छोड़ने के बाद की जर्नी है. ओके. पहले की अलग जर्नी थी आफ्टर दैट रिजाइन माय जॉब. ये वाला जो जर्नी है ये 1.5 साल की जर्नी है मेरी. सारी पेंटिंग्स जो देख रहे हैं आप कोविड के बाद की है ये सारा. ये कोविड की बात की जर्नी है मेरी. और ये जो मेरा टाइटल आप देख रहे हैं अरूपा आदिरूपा, तो आदिशक्ति जो है बिफोर जो हमारा क्रिएशन था दुनिया की जब सृष्टि हुई थी उससे पहले आदिशक्ति थे. आदिशक्ति की उन्होंने सृष्टि की रचना की है. तो उन्हीं के कंसेप्ट के लेके मैंने अपना वो किया है. और आप ज़्यादातर मेरे पेंटिंग में वुमेन फिगर ज़्यादा स्त्रियों का फिगर देख ज़्यादा देखने चले. तो जो आदिशक्ति और जो जो हमारा ह्यूमन है उनको मैं दोनों को एक रिलेशन बनाया. तो जो हम स्त्रियाँ हैं वो हमारे अंदर ही देवित्व जो देवी है वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी जो पावर है वो भी है. तो अंदर का जो देवित्व है उसी को अलग अलग रूप में मैं दिखाने की कोशिश की हूँ. जो इट पर्सनिफाइज द फीमेल पावर वुमन एम्पावर जो पावर है उसको मैं दिखाना चाहती हूँ. तो उसी से रिलेटेड है मेरा सारा पेंटिंग. और बाकी मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उड़ीसा से हूँ. तो उड़ीसा की जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है पट्टचित्र और वो जो ट्रेडिशनल है वो आप मेरे इसमें आप देख सकते हैं कलर्स के. हाँ, इन्फ्लुएंस तो है मेरे रूट में है. तो मुझे बहुत इंस्पायर करता है. तो आप मेरे कलर स्कीम थोड़ा ब्राइट कलर स्कीम देख पा रहे होंगे कुछ उसका एसेंस आप फील कर पा रहे होंगे मेरी पेंटिंग में. जी. और बाकी नेचर और कुछ पेंटिंग्स में मैंने एनिमल्स और ह्यूमन का रिलेशन जो है वो दिखाने की कोशिश की. वो कुछ स्केचेस है जिसमें आप देख पा रहे कैट्स हैं और वो है. सराउंडिंग जो है जो अपना एनिमल के साथ जो अपना रिलेशन है ह्यूमन का वो भी जो इमोशन जुड़ी हुई है वो भी दिखाने की कोशिश की हूँ. जैसे मेरे आसपास मेरे घर के आसपास बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे कैट्स हैं. वो कभी कभी ऐसे गुस्से से देखते हैं, कभी कभी बड़े प्यार से देखते हैं कि कुछ चाहिए उनका होता है. तो वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. तो वो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो भी आपकी इसमें इन्फ्लुएंस लिया है. बिल्कुल, वो भी आए हैं उसमें मेरे स्केचेस में आपको ये झलक दिख रहा होगा. बस ये जर्नी. और मैं अब इसी फील्ड में हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. अब मुझे सुकून मिलता है. राइट. सो योर स्टूडियो इज इन दिल्ली मैम? हाँ. सो
माय स्टूडियो इज इन दैट विकासपुरी, विकासपुरी वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, तो वहाँ पे मेरा स्टूडियो है, मेरे हस्बैंड भी आर्टिस्ट है। हाँ, सजल मैं ये पूछने वाला था, सजल पात्र जी आपके हस्बैंड हैं, तो कितना सपोर्ट मिलता है आपको उनसे? बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा, पूरे सपोर्ट मिलता है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो अपने स्टूडियो में अपने काम करते हैं, अगर मैं कुछ सजेशन मांगना चाहूँ तो वैसे ज़्यादा वो नहीं इन्वॉल्व होते हैं, मेरा अपना अलग स्टाइल है, उनकी अलग स्टाइल है, बट वो जो पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलती है मुझे, वो एक ग्रेट आर्टिस्ट है तो उनसे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, मतलब इंस्पायर वो करते हैं कि हमेशा जब मैं कभी कभी मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज होती हूँ तो मुझे बूस्ट अप वो देते हैं कि आपको उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट, पूरी इंकरेजमेंट उनसे मिलता है आपको? बिल्कुल वो मिलता है पूरा। तो आगे आपके फ्यूचर में जो आप कुछ और काम करना चाहते हैं, इट विल बी द सेम काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क और यू वांट टू गो फॉर समथिंग डिफरेंट? अभी मैं नहीं बोल सकती, बट इसमें जैसे ये एक स्टाइल, पर्टिकुलर स्टाइल है, इसमें वो रिफाइन होती जाएगी, उसमें डेवलप होता जाएगा एक स्टाइल, बट एक जो वो जो मेरे एसेंस है फिगरेटिव वो वाला, वो मैं चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकती, राइट, वो मेरे अपने आप ही मेरे वो आता है उसमें, तो ये चीज़ रहेगी, बट हाँ उसमें थोड़ा सा अपना चेंज होता जाएगा स्टाइल अपने आप, कोई अलग से कोई जानबूझ के मैं स्टाइल नहीं चेंज करना चाहूँगा, होते होते होता जाएगा वो अपने आप एक नॉर्मल जर्नी की तरह। हाँ, वो नॉर्मल जर्नी की तरह अपने आप। थैंक यू मैम फॉर टॉकिंग टू आर्ट कीपर, आपने वक्त निकाला है, थैंक यू सो मच। Now we have reached the end of this short journey of the solo show by Bobita Patro at Convention Foyer, India Habitat Center. I hope you all have enjoyed this exhibition, Arupa Adirupa. Agar aapne ise miss kiya hai, to aap hamesha Art Keeper mein dekh payenge. But again, I will request all of you to make it a habit to visit एग्जीबिशंस इन द फिजिकल फॉर्म, गैलरी में जाके देखिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और आर्टवर्क्स को अपने सामने इंजॉय कीजिए। अगर मिस करते हैं, ऑब्वियसली आर्ट कीपर विल बी देयर, इज ऑलवेज देयर विथ यू, एंड स्टे विथ आर्ट कीपर, प्लीज सपोर्ट आर्ट कीपर। अगेन आई विल से ड्रॉइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आर्ट प्रैक्टिस। यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉइंग्स आप देख पाएंगे जो बबीता पात्र जी ने किया है। सो स्टे विथ आर्ट कीपर और अलग अलग नए नए एग्जीबिशंस देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। आफ्टर कोविड इन दिल्ली, इन कोलकाता, इन मुंबई, इन केरला, इन पुणे, इन उड़ीसा, लॉट मेनी अदर प्लेसेस आर्ट एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ चुके हैं, एंड स्पेशली इन कोलकाता। कोलकाता इज़ डूइंग ए स्प्लेंडेड जॉब, and Delhi is also equally doing a fabulous job in exhibiting new artists, artworks, exploration bahut zyada ho raha hai, and it's a very good thing. So is cheez ka mujhe lagta hai aap sabko fayda uthana chahiye, zyada se zyada bahar nikliye, exhibitions ko dekhiye, enjoy kijiye, be part of art, support living artists, artworks ko khareedne ki bhi aadat daliye, support artists, buy from living artists, buy their artworks, buy their paintings, sculptures, drawings, and make it a habit to collect art. Art collection ki bhi habit ek daliye, dalna chahiye. You should start collecting art also. It's a very good thing. So, enjoy this show and thank you for being with us. Thank you so much.
Thanks for watching this video. Stay with Art Keeper. Please support Art Keeper. Subscribe and share with your friends and loved ones. Thank you so much.